जय हिंद दोस्तों, आज एक नया सेशन में बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच मैं एक वैकेंसी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि वैकेंसी जो है ना कि सरकारी है। ओके, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जब वैकेंसी रिलीज हो, अच्छी विभाग हो और सरकारी हो, तब जाके वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है, आप लोगों को समझाने में बताने में मज़ा आता है। अब प्राइवेट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी रिलीज होती है तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो आप लोग हो सकता हो कि आप लोग गुस्सा हो कि सर आप अप्रेंटिस के बारे में नहीं बताते हैं या फिर वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं चाहता ही नहीं हूँ उस सब चीज़ को बताना, कि मैं चाहता हूँ कि मैं सरकारी वैकेंसी आए तो सरकारी को बताने में अच्छा लगता है। देखो, एक वैकेंसी रिलीज होके आई है यहाँ पर, राजस्थान की वैकेंसी है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक विभाग है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा HPCL एक विभाग उसका पार्ट है, जैसे कि देखो ज्वाइंट वेंचर बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट साइट। देखो यहाँ पे विलेज से यहाँ पे एड्रेस पूरा यहाँ पे दिया गया, इसको आप देख सकते। ये लेटेस्ट वैकेंसी है और सरकारी है, मैं डिटेल में हर चीज़ बताऊँगा, बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच कर लो। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देख सकते हो, सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है, पावरिंग केयरिंग्स बिल्डिंग्स ये सब चीज़ यहाँ पे फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है पूरा। ओके, यही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया, इंग्लिश में हिंदी में दोनों चीज़ है, ठीक है। तो चलो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आप लोग का पोस्ट है, ठीक है, वैकेंसी देख लो, यहाँ पे वैकेंसी जो है आप लोग का वेतन श्रेणी यहाँ पे, ये देखो E0 है, E1 है, E2 है, ठीक है। उसके बाद से वैकेंसी देखोगे ना तो यहाँ पे 41, 14 और 45 जोड़ लेना, वैकेंसी अच्छी खासी है, 150 के आसपास में वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें जॉब हो जाएगी ना तो इतना सुख सुविधा मिलेगा आप लोगों को कि क्या ही बताएं आप लोगों को। ओके, आप देखो यहाँ पे पहले क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मैं सैलरी की बात हो गई तो पूरा सैलरी क्लियर में कर देता हूँ, सैलरी आप लोगों को क्या रहेगा। अब देखो सैलरी यहाँ पे 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में आप लोग का सैलरी रहेगा, मतलब क्या 30,000 तो ये बेसिक हो गया, इस पर आप लोग का 10,000 जोड़ लो, TA, DA, HR, अदर अलाउंसेस जो भी है, ये सब चीज़ जोड़ोगे ना तो कम से कम ये आप लोग का 40 से 45 के बीच में आप लोग का सैलरी रहने वाला। यहाँ पे ITI वाले एलिजिबल नहीं है, ओनली फॉर डिप्लोमा वाले एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, या फिर ग्रेजुएशन किए हैं तो वही लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा, पहले इसको मैं बता दूँ, 40,000 से लेकर 41 के बीच में यहाँ पर सैलरी है, उसके बाद 50 से लेकर 160 के बीच में आप लोग का सैलरी है। अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे आप इतना कमा सकते हो, 7 लाख से लेकर 13 लाख के बीच में, ठीक है। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कंपलसरी, किसी में एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि देखो यहाँ पे नील है, दो पोस्ट पर नील है, तो उसके बाद से नीचे वाला जो पोस्ट है जिसमें 45 वैकेंसी है, इसमें कि आप लोग देख लीजिए 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में जो आप लोग का सैलरी रहने वाला, 13 लाख आप लोग जो CTC है उसमें आप लोग का देखिए 3 साल कम से कम एक्सपीरियंस आप लोग का मांगा गया है। ओके, तो इंजीनियरों आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस विभाग में जाना चाहते हैं ना तो आप लोग के लिए मतलब कि बेहतरीन ये जॉब है, अपॉर्चुनिटी भी बेहतरीन है, क्योंकि ये सब विभाग में जॉब होने के मतलब पेशी सेक्टर है, इतना सुख सुविधा मिलता है कि क्या ही बताएं आप लोगों को, एकदम रहने खाने पीने लैपटॉप मोबाइल रिचार्ज वाईफाई मतलब कि सब चीज़ ये लोग, गाड़ी घोड़ा का पैसा, सब चीज़ का पैसा ये लोग देते हैं। देखो HPCL राजस्थानी रिफाइनरी लिमिटेड HRRL यहाँ पर ग्रीन रिफाइंड MMT PA रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स इन्वाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द इंजीनियरिंग्स प्रोफेशनल्स केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स, यहाँ पर मैकेनिकल फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा मैकेनिकल्स चार्टेड, ठीक ना, अकाउंटेंट एंड डिप्लोमा साइंस ग्रेजुएट विथ वैलिड हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द फायर सेफ्टी। यहाँ पे देखो ये सब चीज़ यहाँ पे दे दिया गया, आप लोग का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या लाइसेंस कहाँ से क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। स्टार्टिंग की बात की जाए जो आप लोग का इंपॉर्टेंस डेट जो अप्लाई का, तो यहाँ पे 4 सितंबर यहाँ पे ऑफिशियल जो आप लोग का अनाउंसमेंट किया गया 4 सितंबर को, 5 से आप लोग का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया और आप लोग का 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, न्यू वीडियो में मिलते हैं आप लोग को, नया वैकेंसी लेके आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग को एक नया वैकेंसी देखने को मिलेगा जब मैं नया अपलोड करूँगा वीडियो, तो ठीक है। तब तक लिए जाए दीजिए, जय हिंद जय भारत जय बिहार वंदे मातरम।